crash proof driving. Drift, बनारस एक प्राचीन शहर जो शायद कभी नहीं सोता। बनारस एक ऐसा महोत्सव जहां कहीं मस्ती में डूबे श्रद्धालु हैं तो कहीं अंतरात्मा की खोज में निकले विद्वान। कहीं भौतिकता के भार से दबे विदेशी पर्यटक हैं तो कहीं प्रेरणा की तलाश में निकले कलाकार। एक बात तो तय है कि इस वास्तविकता के सामने सभी नतमस्तक हैं। कहीं भीषण चहल पहल है तो कहीं बिल्कुल शांत। देखिए बताएंगे भैया, यही रहिएगा ना, आते हैं घुमा दीजिएगा। कहाँ स्नान करवाइएगा? चलिए बुला रहे यार। तो होलकर वालों का यही है। अच्छा मुंशी घाट। अच्छा तो घाट खरीद लिए थे क्या? अच्छा तो ब्रिजरामा होटल यही है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है न जाने इस पानी ने कितनी हस्तियों के अहंकार को खोल दिया हो। उनके वर्चस्व की अस्थियां आज भी इन घाटों पर यूं ही बिखरी दिखाई देती हैं। आज कुछ ऐसा अनुभव
मुझे भी हो रहा था। इस विशाल सृष्टि के सामने अपना अस्तित्व कितना सूक्ष्म सा दिखाई देता है। शायद हिंदू धर्म में पाप धुल जाना इसी अनुभव को कहते हैं। कला और संस्कृति से सुसज्जित काशी का ये प्राचीन शहर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक माध्यम है, एक जरिया है। यह गंतव्य नहीं बल्कि खुद भी एक यात्रा है। नदी में डुबकी लगाते ही एक ऐसा एहसास हुआ मानो एक ठंडी आग मन के दर्द का मरहम कर रही है। अच्छा हाँ, लोग डूबते हैं उसको बचाते भी हैं। आप लोग लाइफ गार्ड और पानी को डूबता है तो उसको अपने हम लोग खुद नहीं जाते हैं। क्या होता है ना, जब पानी में लोग गिर जाते हैं ये बांस निकाल के उनको दे देते हैं, वो पकड़ लेते हैं फिर बांस को खींच देते हैं, वो लोग फिर ये पकड़ लेते हैं, पकड़ के ऊपर आ जाते हैं। आखिर पानी में कोई डूबते रहे ना उसके उसके साथ खुदा नहीं जाना चाहिए, तब तो खुद डूबिएगा। वो बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको डुबा सकता है। इसलिए पास कोई हो रस्सी हो उसको फेंक दो, वो पकड़ लेगा आप उसको खींच दो, आ जाएगा आराम से। Thank you.
चार पहिया भी जाती हो नहीं गली पत्ती रह जाए आगे जाओगे देखो कह रहे जाए ऊपर वो दस बारह तो कार खड़ी रहती है इसके भीतर ऐसे देखो जाए ऐसे कार खड़ी है अब ऐसे बढ़ोगे बनारस वो आईना है जिसमें देखते ही अंतर्मन की एक झलक दिखाई देती है। छोटा बड़ा सभी एक समान दिखाई देता है। यहां की आबोहवा में एक मस्ती है, एक उल्लास है। बनारस केवल एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। आप सभी को मुबारक हो। खुशबुए बनारस।